हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अध्ययन। होप यू ऑल आर गुड। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर एनएसओ, दैट इज नेशनल साइंस ओलंपियाड। एंड इन दिस वीडियो वी विल सी सिलेबस ऑफ एनएसओ फॉर क्लास नाइन्थ। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन फॉर फर्दर वीडियोज। नाउ स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं उनका नंबर है टोटल 50। उसके बाद जो टाइम दिया जाता है, तो यहाँ पर जो है आपको एक घंटे का जो है टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम सेक्शन वन की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन वन में जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, टोटल जो क्वेश्चन आते हैं उनके नंबर हैं 10। और ये क्या है, ये नॉन वर्बल एंड वर्बल रीजनिंग जो है वो सेक्शन वन के अंडर आती है। नेक्स्ट सेक्शन टू की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं हमारे 35। और ये जो सेक्शन होता है ये साइंस का सेक्शन होता है, तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही आपको पेपर के जो है यहाँ पे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिक्स के चैप्टर देख लेते हैं कि कौन कौन से फिजिक्स के जो चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले है हमारा मोशन, उसके बाद है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी एंड साउंड। तो इस तरह से जो टोटल है कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये टोटल जो है 5 चैप्टर्स जो हैं ये आपको जो है ये फिजिक्स में यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आपने जो क्लास नाइन्थ में जो भी फिजिक्स पढ़ी है वो टोटल ही यहाँ पर आएगी। इसके अलावा क्लास एट के भी जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के, वो भी आपको उस स्टैंडर्ड के यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। नाउ इन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहला है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसके बाद है इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये टोटल कितने हो गए यहाँ पर, टोटल जो है ये 4 चैप्टर्स हैं जो कि आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ी रखे होंगे। तो इस तरह से ये केमिस्ट्री में जो है टोटल 4 जो है चैप्टर आपको यहाँ पर जो है वो करने पड़ेंगे। नाउ अगर हम बायोलॉजी को देखें, तो बायोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक हैं जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई डू वी फॉल इन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो इस तरह से जो टोटल यहाँ पर टॉपिक हैं वो टोटल हमारे टॉपिक हो जाएंगे 6। तो ये सारे जितने भी टॉपिक हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के, तो आपको देख के लग रहा होगा कि जितने भी ये टॉपिक हैं आपने क्लास नाइन्थ में अपने साइंस के सिलेबस में पढ़े रखे होंगे। इसके अलावा क्लास एट्थ के भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इन सबको आपको जो है डीपली अच्छे से पढ़ना होगा। तो हमारे चैनल पे आपको ये सारे ही क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस जो है वो करवाई जाएगी। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नाउ अगर हम सेक्शन 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 5। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, यानी कि हॉट्स। तो ये जो हॉट्स होते हैं आपने पढ़ रखे होंगे अपने साइंस के सिलेबस में, तो वैसे ही क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये क्वेश्चंस जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग आते हैं। तो सेक्शन 2 में जैसे हमने अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस देखा, तो वहीं से जो है 5 क्वेश्चंस जो है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर लिए जाते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि क्या जो है एनएसओ का क्लास नाइन्थ का सिलेबस होता है। तो टोटल सेक्शन जो है हमको यहाँ पर 3 जो है वो देखने के लिए मिले हैं। तो अब आगे आने वाली जो भी वीडियो होगी वहाँ पर हम साइंस के क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। नाउ थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।